विदर्भ अन्याय निवारण समिति की अध्यक्षा ज्वाला धोटे ने पालक मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धोटे का कहना है कि शहर का कुख्यात गुंडा अभिषेक सिंह, जिस पर कई गंभीर गुनीत दाखिल है, इसीलिए 2020 को तब के पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय ने अभिषेक सिंह पर मकोका सहित दाखिल किया था, मगर बीते 2 साल से यह आरोपी फरार है। धोटे पत्र परिषद में बताया कि ये फरार आरोपी शहर के पालक मंत्री नितिन राउत और उनके परिवार के संपर्क में है। परिषद में धोटे ने कुछ सबूत भी पेश किए, जिसमें नितिन राउत उनके बेटे और बहू के साथ अभिषेक सिंह की फोटो और वीडियो थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे राउत उनके बेटे के साथ विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। धोटे ने मांग की है कि नितिन राउत ने जल्द से जल्द मंत्री पद व विधायक पद से राजीनामा देना चाहिए। अगर वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि इन पर ये अपराध दर्ज है, आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी थोड़ी भी भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी, मगर ये एब्सकॉन्डिंग आरोपी को ट्रेस करने के लिए, इसको सेंट्रल जेल पास करने के लिए, कुणाल राउत को तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में लेना जरूरी है, क्योंकि 15 दिन तक क्या 1.5 साल से वो उनके कांटेक्ट में है, यानी कुणाल राउत के मोबाइल पे उसका नंबर आपको मिलेगा, उससे आप वो एब्सकॉन्डिंग फरार आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। द पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द आईज ऑफ नागपुर पुलिस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, उसको पकड़ने में आसानी हो जाएंगी, कुणाल राउत के मोबाइल पर उसके लोकेशन ट्रेस हो जाएंगे और नागपुर पुलिस तुरंत दबोच पकड़ेंगी वो आरोपी को।